आई एम अ क्रिकेट ओके जब एक बार फौरन चेक करिए मेरा भी करवा दो अल्ट्रासाउंड ओए बेवकूफ है तू फिरौती की रकम 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए आंटी नमस्कार क्या हेलो गाइस नमस्कार मैं आपका दोस्त अनुस्ताप और कैसे हैं आप तो गाइस आज फिलहाल जा रहे हैं हम प्रेमनगर क्योंकि हमें ढेर सारे काम है जो होते हैं ना घर गृहस्थी वाले काम अब शादी हो चुकी है अब सैटरडे संडे घूमने के लिए भी निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अब घर गृहस्थी के काम रहते हैं फिलहाल चलते हैं प्रेमनगर आपको दिखाएंगे प्रेमनगर ये रही हमारी बीवी बना रही थी और पीछे हमारी माता श्री है घर में अच्छे तो लोग ना पानी वानी की जगह सैटरडे संडे के टाइम में निकल जाते हैं नहाने वाने पता है नहीं चलो मत बना कर ठीक है मार खाएगी मेरा से बहुत बुरी तो गाइस और गाड़ियां तो बहुत चला ली है आज फिलहाल हम बैठे कितने पर वाली वैन में अभी मजा आएगा ना भिड़ो ये देखिए तो कह रही है और नजर भाई जी और कू कू घूम मचाले मजा आ रहा है भैया के साथ ड्राइव पे जाके कह दियो कैसा लग रहा है तुम्हें अपना एक्सपीरियंस पीछे देखो मम्मी को साथ अभी हम पेट्रोल भरा रहे भैया से अच्छी दोस्ती हो चुकी है मेरी गाइस फिलहाल निकल चुके हैं यहाँ से भैया से हमारी बढ़िया जान पहचान हो चुकी है पंजाबी हो भैया पूरी चेकअप वगैरह के लाए थे तो उधर बहुत सारी भीड़ लगी है तो इस वजह से हमें आगे जाना पड़ रहा है इन्हीं का दूसरा ब्रांच है वहाँ पर जाना पड़ रहा है भैया के साथ बहुत मजा आ रहा है मेरे को तो हैवी ड्राइवर बहुत पसंद है क्योंकि मैं खुद हैवी ड्राइवर हूँ भैया हैवी ड्राइवर बहुत बड़े लगते हैं अगर आपको झटका लग गया तो फिर मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है ये तो भैया ये बात बढ़िया बोलते हैं पंजाबी लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया अगर मैं झटका लगने दे दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं अगर झटका लग गया फिर तो जुतियां आई है ना भैया ये तो है भैया सोचना चाहिए दूसरे को साइकिल पर्सन है हमेशा ना फर्स्ट वाले को गलत साबित कर देता भैया ये तो है चैनल मेरा हमारा सब्सक्राइब करना आपकी हैवी ड्राइविंग दिखाएंगे हम उसमें तो भैया हमारे हैवी ड्राइवर हैं मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा कुछ ऐसा मजा तो आ रहा है ऐसी बात कुछ नहीं है जब एक बार फौरन चेक करिए अपने कलाकार ही है भैया ना पीछे में बैठ के लोग छेड़ते रहते हैं ये जब मेरे को जरूरत होगी फालतू डिस्टर्बिंग नहीं किसी को चाहिए तो आज हम आए तो थे मतलब भैया ने जो ड्राइविंग की है कैसा लगा तुझे अच्छा लगा मजा आ गया कहाँ से जाना है फिलहाल यहाँ से जाते हैं ऊपर मजा आ गया ना और हमें जा रहे थे उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे किडनैपर वाली वैन में हमारा पूरी किडनैपर वाली वैन वाली मजा गाइस वी आर देयर हमारी बीवी जी है जो खूब सारा पानी पी रही है खूब सारा पी ले तो गाइस फिलहाल हम आए थे यहाँ पर क्योंकि अगर वहाँ पर भीड़ बहुत थी इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है तभी हम वो जो किडनैपर वाली गाड़ी थी उन्होंने बोला यार हमारे इस वाली गाड़ी में जाना है हाँ ठीक है कार तो हम ला रहे गए फिलहाल पर फिर मैं सोचा चल ठीक है चले ही जाते हैं मज़ा बहुत आया वो बात अलग है किडनैपर वाली गाड़ी थी पूरी किडनैपर वाली गाड़ी दिल से बताओ पूरी किडनैपर वाली नहीं थी बचपन में पिक्चर देखते थे जब मजा बहुत आया जो वो बात अलग थी भगवान कसम 2 लीटर पानी की बोतल पी चुकी है दूसरी बोतल है उल्टी ना आ जाए और फिर चलना शुरू इसका यही काम है इसका चलते रहो बस सुनो अपना भी करा लो अल्ट्रासाउंड फिलहाल हमारा काम हो चुका है यहाँ से अब हम निकल रहे हैं फिर उसी गाड़ी पे आपको दिखाता हूँ भैया तो इसका एक लुक देखिएगा आज तुम्हें किडनैप करा जाएगा किडनैपर सुमे फिरौती की रकम 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए ठीक है तो चलो बाय बाय कर दो एक बाय कर दो एक बार तो चलते हैं फिर यहाँ से अपना काम तो खत्म हो चुका है कैदी बैठ चुके हैं हमारे चलते हैं यहाँ से फिलहाल धूम मचाले चिकन पका ले धूम तो कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस मजा आ गया हाँ भाई जी मजा आ गया यार चैनल जरूर देखना हमारा अनुस्थापा व्लॉग्स ठीक है यानी हमें सेफली यहाँ पहुँचा दिया है भैया बहुत अच्छे हैं यार मतलब बहुत अच्छे से चलाई उन्होंने गाड़ी भी और मुझे पूरा मजा आया किडनैप हुआ हूँ आज मैं बढ़िया करके तो गाइस फिलहाल सारे काम निपट चुके हैं अपने जो भी हम करवाने वगैरह ने आए थे सारा निपट चुका है फिलहाल चलते हैं घर के तरफ अभी निकलते हैं यहाँ से और वो लोग वहाँ खड़े हुए छाँव में खड़े हैं यार धूप पता नहीं होता कहीं पर भी इतनी हो जा रही है ना नस तोड़ती थी गाड़ी कभी कभी हो जाता है गाइस ऐसा मेरे से फिलहाल निकलते हैं यहाँ से ठीक है वहाँ फोटो लेना इतनी बेवकूफ़ आदमी है ना
दरवाजे बंद करके नहीं गया, मम्मी को उतरना पड़ा दरवाजा बंद करने के लिए। ट्रैफिक देख सकते हो आप कितना गंदा हो रहा है और हालत बहुत ज्यादा खराब है, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है ना, इतनी ज्यादा टाइम पे ना क्या करे इंसान, ऐसा हो जाता है। तो फिलहाल चलते हैं, अपना काम वाम निपटाते हैं अभी, जैसे फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए वो काम है और भी दो तीन काम है अपने, दिखाते हैं आपको अभी जाते आते हैं। अरे बेवकूफ है तू, दरवाजा खुला छोड़ के चली गई, थप्पड़ ऐसा मारूंगा, कितना बंद किया था, कुछ नहीं किया था बंद, नहीं किया था ना, मेरे बस का नहीं है क्योंकि अब इस धूप में अब मैं और ट्रैवल नहीं कर सकता, मुझे जाना है घर और वीडियो भी बनानी है, वीडियो आएगी उसका लिख रहा है यहाँ पर है, जिसने नहीं देखी ना देख लेना, वीडियो आएगी संडे को। हाँ भाई निकाल लो यार, पंजाब की गाड़ी है पंजाब की। और वैसे ना प्रेमनगर भी बहुत ही ज्यादा डेवलप चेंज हो चुका है, पहले यहाँ पर दुकानें थी, जब हम स्कूल पढ़ते थे ना, मैं गुरु नानक में पढ़ता था स्कूल बचपन में, तो यहाँ पर दुकानें वगैरह थी, चेंज हो चुका है, थोड़ा खुला हो चुका है क्योंकि ये हाईवे रोड है ना, यहाँ से बहुत जगह के रास्ते निकलते हैं, इसलिए इसको चौड़ा करना बहुत जरूरी था। अभी ये ऊपर की जो दुकानें हैं अभी ऐसी टेम्पररी बनी है, पहले यहाँ पर ये इनकी परमानेंट दुकानें हुआ करती थी। छोनू छोनू भाई दादा, मतलब इतनी भयंकर ऐसा नहीं है यार, वो बातें बहुत सही से कर रहा था, वो कह रहा था लोग अपने टाइम पे जब होते हैं ना तो इतना वो करते हैं और नहीं तो एम्बुलेंस को साइड नहीं देते। चल ठीक है, हमारा तो ऐसा वो नहीं था, पर जैसे कोई सीरियस पेशेंट होता है उनके लिए दिक्कत हो जाती है, इसलिए सही कह रहा था, मुझे बहुत सही लगी भाई की बात कि हाँ भाई जब अपने पे आती है ना हर किसी को लगता है भाई साइड हो जा साइड हो जा साइड हो जा, और वैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं है, पूरे मार्केट में कोई साइड देने के लिए तैयार नहीं है भाई, नॉर्मल सी बात है। हम यहाँ से आ रहे थे ना पर, और इसके बाद ना इन लोगों ने बोला गन्ने का जूस पीना है, अब क्या करें, पिछली बार भी जब हम यहीं से आए थे ना तो गन्ने का जूस नहीं पिया था हमने, तो भैया के यहाँ से गन्ने का जूस पीते हैं, 20 वाले 3 बना दो। तो फिलहाल बनाते हैं भैया अभी गन्ने का जूस। ये जो मौसम होता है ना इसमें ना गन्ने का जूस पीने का जो मजा है ना वो किसी चीज़ का नहीं है, क्योंकि इस समय ना सिर्फ पियो पानी, पियो ये नारियल पानी वगैरह पीते रहो, पानी पीते रहो। भैया ने नींबू भी लगाया, पता है नींबू इतने महंगे हो रहे हैं ना, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं नींबू के लिए, नींबू लगाया इस बात की खुशी है हमें। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चीयर्स। आहा, तो ये मजा है ना गर्मियों में, किसी चीज और चीज का नहीं है। पी लिया है अब, ये निकलते हैं यहाँ से, आपको दिखाऊंगा घर पहुंच के। अब सीधा जा रहे थे तो सोचा मोमो ही ले लेते हैं यहाँ से, ये बहुत अच्छी शॉप है यार, यहाँ पर प्रेमनगर से आते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगी आपको, बहुत अच्छे मोमो बनाती है आंटी। आंटी नमस्कार, मोमो है आंटी, कल मोमोज ले लिए हम, प्लेट में ही ले रहे हैं, एक प्लेट ही लिया है यार, बहुत टाइम से मोमोज खा रहे थे तो इसलिए एक ही प्लेट लिया है। आज भी वही टेस्ट है जो हमने सबसे पहले खाया था, आज भी वही टेस्ट है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। गाइस फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं घर, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी यार, बहुत पंखा चला रखा है हमने तो घर आते बैठ गए ऐसे चित, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और फिलहाल आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है यार वीडियोस, मतलब 1300 लोग मेरे सब्सक्राइबर कुछ है पर देखते बहुत सारे लोग हैं, तो मतलब सपोर्ट है आप लोगों का यार, तो सब्सक्राइब करिए, आपको अलग अलग कॉन्टेंट देता रहूँगा, आप ही के लिए तो करूँगा यार, तो करिए यार सब्सक्राइब करिए। मैंने तोड़ दी थी कि मेरे को कोई पहचाने ना, फिर इसने इन लोगों ने बनवा के मुझे दोबारा पहनवा दिया, मैंने तोड़ दी थी कि कोई पहचाने ना, इसकी शादी हो चुकी है, ये मैं लगता नहीं हूँ ना मेरी शादी हुई है ऐसा, मतलब जवान ही लगता हूँ इस टाइम पे, गिरगिट हूँ मैं, आई एम अ गिरगिट ओके, बट मैंने फिर भी अंगूठी पहन लिया। आप ये देख सकते हैं इसमें ना बहुत ही अच्छे से क्या होता है दही जमती है, और इस मौसम में दही खाने में जो मज़ा आता है ना, दही ऐसी ठंडी ठंडी जो चीज़ें होती है ना वही खाने में मज़ा आता है। तो फिलहाल खाते हैं खाना और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, सब जो कर जितना कर सको, घंटा घंटा सब दबा, बाय बाय।